अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे। 6 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं और उम्मीद है उनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। लास्ट 3 न्यूमेरिकल जो रह गए हैं बेटा, आज के लेक्चर में कवर करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6.7 से स्टार्ट करते हैं बेटा। बुक की प्रॉब्लम नंबर 6.7, पेज नंबर है बेटा 140। अच्छा, ये जो 6.7 प्रॉब्लम है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है ये बेटा एग्जाम में, तो इसके ऊपर नोट कर ले। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखते हैं बेटा, इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या है। हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी, हमने हीटिंग डक्ट की लार्जनेस बतानी है, लेंथ बतानी है या रेडियस बताना है कि कितनी हीटिंग डक्ट लार्ज होनी चाहिए। इफ द एयर मूविंग थ्रू इट, एयर की जो स्पीड है बेटा वो क्या है, गिवन डाटा देख लेते हैं जो गिवन है हमें। एयर की स्पीड कितनी है बेटा, एयर की स्पीड वी, स्पीड से स्पीड को रिनोट करेंगे वी से, कितनी है बेटा एयर की स्पीड, 3 मीटर पर सेकेंड। ये नोट करें, 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है, अलोंग इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन द रूम ऑफ वॉल्यूम 300 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम कितना गिवन है बेटा, अब वॉल्यूम और स्पीड को मिक्सअप नहीं करना, एक को कैपिटल वी से और दूसरे को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, 300 मीटर क्यूब। और जो टाइम गिवन है बेटा 15 मिनट है, टाइम है 15 मिनट्स। इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा सेकेंड्स में, कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 9, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 90, तो ये 900 सेकेंड आ जाएंगे बेटा हमारे पास टाइम। उसके बाद बेटा हमने फाइंड क्या करना है, अज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो एयर की डेंसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट हमें फाइंड करना है बेटा, टू फाइंड वी हैव टू फाइंड रेडियस। क्या फाइंड करना है बेटा, रेडियस फाइंड करना है, ठीक हो गया, हीटिंग डक्ट का बेटा रेडियस फाइंड करना है। अच्छा एरिया गिवन है बेटा, रेडियस फाइंड करना है, स्पीड गिवन है, रेडियस फाइंड करना है, तो हम यहां पे यूज करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, शाबाश बताएं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है किसी भी पॉइंट पे एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है कॉन्स्टेंट के, और वो कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, फ्लो रेट। किसके इक्वल होता है कॉन्स्टेंट, फ्लो रेट के। और फ्लो रेट क्या चीज होती है बेटा, फ्लो रेट होता है वॉल्यूम पर सेकंड या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एरिया और स्पीड को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब बेटा हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब जो हीटिंग डक्ट है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होगी, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा वी और यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। आर चाहिए बेटा, सेपरेट कर लेते हैं, पाई और वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय पाई टी इनटू वी। ठीक हो गया बेटा, अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी डिवाइडेड बाय पाई टी इंटू वी। बेटा ये कट कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी वी, वी की वैल्यू बेटा पुट करें यहां पे, वी की वैल्यू है 300 और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 और टी की वैल्यू बेटा है 900 और वी की वैल्यू कितनी है बेटा, वी की वैल्यू जो गिवन है हमें 3 है। ठीक है, अब बेटा इनको करेंगे क्या, पहले न्यूमिरेटर में तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेंगे बेटा, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा रेडियस का, स्टेप बाय स्टेप बेटा इसको करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप बेटा इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 0.188। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मीटर। ठीक हो गया, यूनिट लिखना नहीं भूलना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बेटा यूनिट के मार्क्स होते हैं। अब बेटा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट को जरा शिफ्ट करें यहां से 1 and 2, तो बेटा आ जाएगा रेडियस हमारे पास 18.8 × 10⁻²⁻², साथ में आ जाएगा मीटर। ठीक हो गया बेटा,
10^-2 क्या होता है सेंटी, तो ये आ जाएगा 18.8 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हमारे पास आ गया रेडियस, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 19 सेंटीमीटर के। तो हीटिंग डक्ट जो है बेटा उसका रेडियस अगर 19 सेंटीमीटर होगा तो उसकी उसमें से निकलने वाले फ्लूइड की स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, और जो वॉल्यूम होगा वो कितना इससे फिल होगा 300 मीटर क्यूब। ठीक हो गया, तो ये बेटा हमारे पास रेडियस था। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें बेटा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट बेटा 6.8 प्रॉब्लम नंबर 6.8 इसमें देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले गिवन डाटा क्या है, हमें अच्छा बेटा इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन लेंथी स्टेटमेंट जितनी है उतना ही ये शॉर्ट है। एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला से बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एयरप्लेन डिजाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट, हमें पता है बेटा जो एयरप्लेन होता है उसके एयर फॉइल पे एक लिफ्ट प्रोड्यूस होती है जो अपवर्ड फोर्स होती है। ठीक है, तो ये एयर फॉइल है जिसकी शेप कुछ इस तरह की होती है, ये एयर फॉइल की बेटा शेप इस तरह की होती है, इसके ऊपर बेटा एक लिफ्ट कह रहा है वो लग रही है, कॉल्स फॉर अ लिफ्ट। ठीक है, अब ये लिफ्ट कैसे इस पे अप्लाई होती है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। वो कह रहा है एन एयरप्लेन डिजाइन कॉल्स फॉर अ लिफ्ट ड्यू टू द नेट फोर्स ऑन मूविंग एयर ऑन अ विंग ऑफ अबाउट 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो लिफ्ट लग रही है वो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वजह से लग रही है। अब बेटा हम जानते हैं कि जो लिफ्ट होती है एयरप्लेन के विंग्स के ऊपर वो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस होती है। तो ये जो हमें 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, ये एक्चुअल में क्या गिवन है बेटा, प्रेशर गिवन है। ठीक है, लोअर सरफेस पे बेटा उसने जो स्पीड दी है उसको V1 बोल देते हैं। वो कितनी है बेटा, V1 है 160 मीटर पर सेकेंड, और अपर पे बेटा जो स्पीड है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो लोअर पे बेटा स्पीड हमें पता है कम होती है, प्रेशर क्या होता है ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा P1 और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जब हमें बेटा प्रेशर डिफरेंस गिवन है, वो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा वाला प्रेशर माइनस कम वाला प्रेशर। तो देख के बताएं बेटा, लोअर पे प्रेशर ज्यादा होता है, लोअर पे हमने P1 लिया है, और अप पे बेटा प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो अप पे हमने P2 ले लिया है। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो होगा P1 - P2, ये कितना है बेटा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज बच्चों को मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है कि हमने P2 - P1 क्यों नहीं लिया। तो देखिए भाई, V1 जो थी 160 थी, यहाँ पे P1 होगा। अब हमें पता है कि जो नीचे वाला प्रेशर है वो ज्यादा होता है, ऊपर वाला प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो हमने ज्यादा में से कम को माइनस करना है ना, तो हमने P1 में से P2 को माइनस करना है क्योंकि P1 ज्यादा है। ठीक हो गया, उसके बाद जो बेटा हमें चीज गिवन है वो एयर की डेंसिटी गिवन है 1.29। V1 भी गिवन है, V1 हमें गिवन है 160 मीटर पर सेकेंड, और जो डेंसिटी गिवन है बेटा एयर की वो कितनी है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया बेटा, ये हमें डेंसिटी गिवन है, और साथ में बेटा थिकनेस गिवन है 1 मीटर। ये थिकनेस वैसे यूज तो नहीं होगी लेकिन हम इसको लिख लेते हैं फिर भी, H1 - H2 1 मीटर। ठीक हो गया, 1 मीटर ये थिकनेस है इस एयर फॉइल की। अच्छा बेटा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें V2 फाइंड करना है कि अपर एयर फॉइल के अपर पार्ट पे स्पीड कितनी होगी, एयर फॉइल के अपर पार्ट पे स्पीड कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा देखते हैं इसको, अपर पार्ट पे स्पीड कितनी होगी। तो बेटा इसके लिए हम सिंपल टू फाइंड लिख देते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड जो करना है, क्या फाइंड करना है बेटा, हमें V2 फाइंड करना है, अपर पार्ट पे स्पीड कितनी होगी। सॉल्यूशन इसका क्या होगा बेटा, विंचोरी रिलेशन यूज होगा यहां पे। विंचोरी रिलेशन क्या कहेगा बेटा हमें कि P1 - P2, पहले हमने P2 - P1 लिया था क्योंकि वहां पे P2 ज्यादा था, P1 कम था। अब P1 ज्यादा है तो P1 - P2 होगा इज इक्वल टू 1/2 रो
वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर, क्योंकि वी टू बेटा अब ज्यादा होगी, वी वन क्या होगी कम होगी। लास्ट केस में हमारी वी वन ज्यादा थी, वी टू कम थी, इसलिए लास्ट केस में ऑपोजिट सीन था जब हमने विंचोरी रिलेशन अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रेशर की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास 1000 इज इक्वल टू 1/2। रो की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, रो की वैल्यू है हमारे पास 1.29 इनटू वी टू हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा वी टू का स्क्वायर माइनस माइनस वी वन कितना है बेटा, वी वन है हमारे पास 160, तो ये आ जाएगा 160 का स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.29 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 × 10^4 × 2 × 1000 / 1.29 इज इक्वल टू वी टू का स्क्वायर माइनस 160 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 और साथ में 20 आ जाएंगे, 256 मल्टीप्लाई बाय और 256 इंटू साथ में 20 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब बेटा ये 256 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस तरफ क्या आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से 1000 से भी, तो ये 2000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.29 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 25600 इज इक्वल टू वी टू का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बेटा इसको फर्दर यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां पे बेटा फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा क्या हो जाएगा बेटा, इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब बेटा 2000 को 1.29 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1550 प्लस कितना आ जाएगा बेटा 25600। ठीक है, अब इनको बेटा जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27150, इनको ऐड करके देख लें 25600 1550। ठीक है, 0511 और ये क्या आ जाएगा बेटा 6 2511 का 1 ये आ जाएगा 7 और आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, 27150। अब बेटा हमें v2 स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, हमें v2 चाहिए, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दो साइड्स पे दोनों साइड्स पे बेटा स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27150। तो यहां पे बेटा स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, v2 हमारे पास आ जाएगा 164.77, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 164.77, साथ में यूनिट आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड, और हमारा आंसर बेटा जो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 165 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6.8 भी सॉल्व हो गया। इसको बेटा जल्दी से नोट कर ले, फटाफट इसको नोट कर ले, लास्ट न्यूमेरिकल रह गया बेटा, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चल लास्ट न्यूमेरिकल बेटा हमारे पास है, छोटा सा न्यूमेरिकल है बेटा लास्ट और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 6.9 प्रॉब्लम नंबर 6.9 सबसे पहले बेटा इसमें गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है हमारे पास, गिवन डाटा जी वो कह रहा है व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेंस फॉर अ स्ट्रीम लाइन फॉर अ स्ट्रीम फ्रॉम अ फायर होस कनेक्टेड टू द मेंस टू रीच अ वर्टिकल हाइट, कितनी बेटा वर्टिकल हाइट पे हमने रीच करना है बेटा 15 मीटर, तो जो वर्टिकल हाइट होगी बेटा वो हमारी होगी डेल्टा एच, इसको कह देते हैं ये हो जाएगी h1 - h2, कितनी हो जाएगी बेटा 15 मीटर, और साथ में चूंकि बेटा ये वाटर फ्लो कर रहा है तो यहां पे वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी 1000 किलोग्राम पर मीटर
क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, प्रेशर गेज फाइंड करना है। प्रेशर गेज क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस। एक्चुअल में हमने प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है, तो बेटा टू फाइंड वी हैव टू फाइंड प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना बेटा P2 माइनस P1, ये प्रेशर डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। अच्छा बेटा, प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे, हम बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन से बेटा ये हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, P1 प्लस 1/2 रो V1 के प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 के प्लस रो जी H2। ठीक हो गया बेटा, रो जी H2। अच्छा बेटा, जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड होती है थ्रू आउट द पाथ क्या होती है, सेम होती है। यानी कि सिंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज कॉन्स्टेंट, जो स्ट्रीम है बेटा उसकी स्पीड क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, V1 is equal to V2 हो जाएगा। अब ये जो डेंसिटीज हैं, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटीज जो हैं बेटा, ये भी क्या हो जाएगी, सेम। यानी के 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर से। ठीक है, तो ये दोनों साइड से ये क्या हो जाएंगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी बेटा, इक्वेशन बन जाएगी बेटा, हमारे पास जो इक्वेशन अब बन जाएगी वो बनेगी P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, हमें P2 माइनस P1 फाइंड करना है, तो बेटा P1 को इस तरफ ले जाए और ये जो रो जी H2 है इसको इस तरफ ले जाए। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी बेटा वो बनेगी रो जी H1 माइनस रो जी H2 is equal to P2 minus P1। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, इन दोनों में से रो जी कॉमन आ रहा है, तो रो जी कॉमन ले लेते हैं। रो जी साथ में आ जाएगा H1 minus H2 is equal to P2 minus P1। ठीक है बेटा। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितनी वैल्यू है बेटा रो की, 1000। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। H1 माइनस H2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 15। ठीक हो गया बेटा, ये आ गया P2 माइनस P1। अब बेटा इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 147000 इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है, अब बेटा यूनिट क्या होंगे, यूनिट लास्ट में लिखने हैं, यूनिट होंगे पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट ये लास्ट पे होगा, इसको शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेटा आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा 1.47 इनटू 10^5 पास्कल। ये आ गया बेटा हमारे पास प्रेशर गेज। ठीक हो गया बेटा। तो ये तो थे बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल, तमाम न्यूमेरिकल बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस चैप्टर की बेटा जितनी एग्जांपल्स हैं, उम्मीद करता हूँ बेटा इंशाल्लाह वो आप सब सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर भी बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्या नाम है, एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम होती है और इन न्यूमेरिकल्स में अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो बेटा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक न्यू चैप्टर के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।